हमारा रेबिट इधर घर बनाया जा रहा है, और जितनी मुर्गियां है ना इसमें अंदर करे जा रही है मट्टी। क्या दुश्मनी है हमारे रेबिट से, उसे भी रेबिट हमारा अकेले रह रहा है और ये मुर्गियां उसको रहने भी नहीं दे रही है। इतना बढ़िया ये बिल बनाया, इधर भी बनाया है और एक इधर भी बनाया है, तो ये वाला तो थोड़ा अंदर तक ले गया भाई। कितना अंदर ले गया, बहुत ज्यादा ही अंदर चला गया, और मट्टी सब इधर निकाल के रखा है और मुर्गियां सब अंदर करे जा रही हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरे को ना डेली कमेंट आ रहा भाई मंकी के लेकर, तो मंकी आप कहाँ से लाए हैं और कितना प्राइस का लाए हैं, क्या हुआ मंकी? रुको रुको, रुक जाओ, शैतानी नहीं करो, रुको। तो कितने का लाए हैं, डेली मुझे कमेंट आ रहा है। क्या कर रहे हो, उतरोगे? आ जाओ ऊपर। डेली कमेंट आ रहा है कि कितने का लाए हैं और कहां से लेकर आए हैं। तो भाई मैंने कई वीडियो बनाया है इसके ऊपर, फिर भी मुझे डेली कमेंट आ रहे हैं कि भाई मुझे भी मंकी दिलवा दो। भाई पालने का हर किसी को शौक रहता है। इंडिया में ना आप कबूतर पाल सकते हैं, मुर्गियां पाल सकती है, पर मंकी अलाउ नहीं है। तो मंकी बड़े ही मुश्किल से भी मिलता है, पर मिल जाता है। दुनिया में हर चीज मिलता है, बस ढूंढना पड़ता है। मंकी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो अभी हमने इसको बांध दिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ भाई। किसी का नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ तो आप बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है मेरा ध्यान फिर से उतर जाता है, पर कमेंट मैं हर किसी का पढ़ता हूँ। तो मंकी आप लोगों को मिल जाएगा भाई, अगर आप चाहिएगा तो। आपको रांची आना होगा, रांची में आपको मैंने बता भी दिया एड्रेस की पेट्स, रांची काटा टोली पे आप जाइएगा, काटा टोली बस स्टैंड है, वहाँ पेट्स जहाँ बिकते हैं, जहाँ पे कबूतर वबूतर बिकते हैं, आपको वहाँ पे जाना है और उन्हीं से बोलेंगे ना, ऑर्डर देना पड़ता है तब आपको मिलेगा। मेरे को कई कॉमेंट आए महाराष्ट्र से, पंजाब से और गुजरात से भी, मतलब बहुत ज्यादा ही आ गए हैं कॉमेंट। हर जगह बोलते भाई हम अलग अलग देश से, हमें यहाँ पे चाहिए। तो भाई आपको उधर चाहिए होगा ना, तो जहाँ आपको मिलता है ना पेट्स, आप उस जगह पे जाइए और उन्हीं से बोलिए भाई मुझे मंकी चाहिए। वैसे तो आपको मना करेंगे, नहीं मिलेगा, पर आप बोलिएगा नहीं भाई मुझे पालने का शौक है, आप ला दीजिए कहीं से भी, तो वो ला देंगे। वैसे तो मांगा कीमत भी मांगते हैं लोग, नहीं देने का नाम भी लेते हैं, बोलते मिलेगा ही नहीं। तो आप बोल दीजिए जब आपको हो जाए, बच्चा मिल जाएगा तो हमें मंगा दीजिएगा, हम ले लेंगे तो मंगा देंगे। तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप रांची आइएगा ना, मेरे पास एक पेट्स इससे जानकार है। तो अभी मैं रांची में नहीं हूँ, मैं बिहार आ चुका हूँ अपने गाँव में। तो आप उस जगह पे जाइएगा ना, उन लोग के पास मैं भी फर्स्ट बार गया ना, तो मैंने भी बोला उनसे, वो बोल दिए ठीक है हम मंगा देंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मना नहीं करता है लोग, पर अलाउ नहीं है। पर आप उसको संभाल के रखिएगा, हर किसी को पालने का शौक है, ये नहीं कि ले लिया आप और उसको देखभाल नहीं कर रहे। तो इसके लिए तो भाई कोई भी मना करेगा पालने के लिए, एक तो अलाउ नहीं यार, इसके बाद आप सेवा भी नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट बार आप लाइएगा तो काटे उटेगा भी, इधर उधर कूदेगा भी, भागेगा भी, तो उस चीज को आपको सबको देखना होगा और उसका देखभाल अच्छे से करना होगा। तो ये हमने बता दिए हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर रिप्लाई दे देंगे। अभी हमारे सभी चूजे ना नीचे में दाना खा रहे हैं, और पिताजी रोटी लेकर ना, हम डेली ना शाम को अपने परिंदों को ना रोटी देते हैं, और सभी अभी हाथ पे आके ना बैठ कर खाते हैं। अभी जस्ट दाना दिए ना गेहूं, तो सभी हमारे परिंदे भिर गए हैं। इधर हमारी कबूतर भी खा रहे हैं, और इधर हमारे कड़कनाथ मुर्गा लगता है खा लिया है। और देखिए मैंने बोला था ना, अभी कड़कनाथ मुर्गी उसके अंदर क्या करोगे, अंडा देना है उसमें जा रहे हो, अंडा देगी क्या उसमें जा रही है, इसके बिल में, रेबिट के बिल में। और ये भी बहुत अंदर तक चला गया बिल, हमें ही नहीं दिख रहा है, अंदर जाके फंस ना जाए। कल ऐसा हुआ ना कि हमारे दो कबूतर ना इसके अंदर फंस गए, लक्का कबूतर इधर से मुंडी बाहर है और हमारे काला वाला कबूतर ना अंदर जाके फंसा हुआ है। मैं टाइम से आ गया रात में, एकदम से मुझे आवाज आ रहा था, मैं उठा और आके देखा तो दोनों कबूतर फंसे हुए थे, मैंने आके हटा दिया। एक चीज मैंने अच्छा किया, मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं आ पाया था, इस वजह से आपको नहीं दिखा पाया। और भाई मुझे कमेंट भी करते हैं भाई कि आप कौन से कैमरा से बनाते हैं वीडियो, तो भाई मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और मैं माइक यूज नहीं करता हूँ, तो आप ये भी समझ गए होंगे। और मेरा छोटा भाई बाहर में, इसके लिए भी बहुत ज्यादा ही कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने छोटे भाई को बुलाइए,
वीडियो में, तो भाई वो अभी बाहर है, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर मेरा जिस हिसाब से आप लोग सपोर्टेड कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्टेड बनाए रखिएगा, बहुत जल्दी हमारा भाई भी हमारे वीडियो में आ जाएगा। तो अभी हमारी हिरनी बिना शाम के समय अंदर बांध दिए, अभी देखिए आए हैं मोह के ऊपर चढ़ने लगा। क्या हो गया है, क्या हो गया है, इधर आओ इधर आओ, ये देखिए काट रहा है, देख रहे देख रहे, ये देखिए ये देखिए, गुस्सा है गुस्सा है, देख रहे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, काटोगे, काटता भी है पर काटता नहीं है, इसको उंगली पे ऐसे ले लेगा। अभी देखिए देखिए ये देखिए कैसे कर रहा है, ये देखिए पकड़ लिया, ये हटो, पर काटता नहीं है बच्चे जैसे, नहीं हम लोग डॉग भी पालते हैं ना बचपन में, तो शुरुआत में लगेगा कि काट रहा है पर वो काटता नहीं है, अपना खेलता है, वैसे हमारा मंकी भी हमारे साथ खेलता है, बहुत नाखून भी मार देता है, वो मारता नहीं है पर लग जाता है, वो अपना क्या होता है ना, हम लोग उसको हटाते हैं ना तो पकड़ता है, तो उस वजह से नाखून भी लग जाता है। तो ये सब आपको भी ख्याल रखना होगा, इन सब का ध्यान रखना होगा। अभी हमारे सारे चूजे ना इधर से दाना खाकर और चले गए हैं रोटी खाने के लिए, पिताजी उधर तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, और हमारी गेनी फलाओ ना बिल्कुल भी नहीं डर रही है, वो हम जब भी रोटी तोड़ते ना वो पास में जाके हाथों में खाती है, और पिताजी डेली का पिताजी का रूटीन है कि वो शाम के समय आते हैं और सभी हमारे परिंदों को ना रोटी देते हैं, हमारी हिरनी भी खाती है, और देखिए हमारी फिर से कड़कनाथ मुर्गी उसी के अंदर चली गई है। ए हट जाओ इधर भाई, ये मिट्टी निकाले जा रहा है, वो अपना प्लास्टर जैसा करे जा रहा है, और ये मिट्टी उखाड़ कर उसको गीला करे जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों उसमें नहीं जाना है। अभी हमारा रेबिट भी ना दिख नहीं रहा, कहाँ पे है, किधर है, किधर में है, कहीं नहीं दिख रहा है रेबिट, इधर भी नहीं है रेबिट, किधर चला गया है, रेबिट कहीं नहीं दिख रहा है, ओ भाई कहाँ चला गया है, इसी के अंदर नहीं ना डूब गया है, ये तो घर में दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा तो अंदर तो करते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा हमारा रेबिट किधर में है। मुझे लगता है ना वो अपने घर के ही अंदर है, पर हम उसको निकालेंगे नहीं, कहीं बाहर नहीं ना भाग गया, गेट खुला हो और वो बाहर चला गया हो, वो निकल गया देखिए उसी के अंदर से निकला, हम अभी इसके अंदर देखें और दिखा नहीं और इसी के अंदर से निकल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कई जगह इसने बिल किया और अभी जाके इसका घर पता चल गया है कि मुझे कहाँ रहना है, इधर भी आके बिल किया, इधर भी देखे, इधर भी बिल हो रखा है, यहाँ पे कर रखा है, इधर में कर रखा है, इधर में कर रखा है, पर अब समझ गया मुझे कहाँ रहना है, और उसका जोड़ा नहीं मिल रहा है मेल, आज भी हम कई जगह फोन किए, हाँ मिल जाए तो आप लोग फोन कीजिएगा, अगर वो लोग को पता चलेगा मेरे को तुरंत फोन आएगा, हम जाके ले आएंगे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Are सभी चूजे ना खा लिए हैं रोटी और इसीलिए उधर से चले आए, इधर अपना बैठे हुए हैं, और हमारी कबूतर और कबूतरी अभी खा ही रही हैं, हमारी गेनी फ्लो भी खा चुकी है, और हमारे जितने भी मुर्गियां हैं वो लोग भी खा लिया है और अपना साइड चला गया है। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने ना मंकी का पूरा आप लोग को बता दिए पता किस जगह मिलेगा, आज हमारी मुर्गी ना ये वाली बाहर भी नहीं निकली जो अंडों पे बैठी है, वो आज खाने के लिए बाहर नहीं निकली, इस बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, मुर्गी अंडों पे बैठती है तो कितने दिन बाद बाहर निकल के खाना खाती है।